तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, तो देख सकते हो, यह है रेड लाइन न्यू बस अड्डा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, जो कि ये जाती है दिलसाद गार्डन होते हुए ये सीधी निकल जाएगी दोस्तों हरियाणा में। तो उससे ही आगे आपको आज मैं दिखाने और बताने वाला हूं। तो देख सकते हो, ये गाजियाबाद RRTS का स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी ऊंचे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा हाइट इसी स्टेशन की, गाजियाबाद स्टेशन की। और ये भविष्य में दोस्तों एक लाइन तो खुर्जा के लिए जाएगी, दूसरी लाइन हापुड़ के लिए जाएगी, यहीं से उसका लाइन जोड़ी जाएगी। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, तेजी के साथ में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस टाइम पे, आप लोग देख सकते हो। ये आपको बता दूं, ये जो चमक रहा है ये फूड कोर्ट बनाया गया, और यहीं से इसको रेड लाइन से भी जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो बाकी आपको बता दूं, जो डिजाइन बनाने का काम था 2 महीने पहले, वो तो कर लिया जा चुका है। जो अंदर का काम है, जैसे कि इस पर मार्बल लगाया जा रहा है और भी छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं, लेकिन जो भी काम चल रहा है, वर्क चल रहा है, वो स्टेशन के अंदर ही चल रहा है दोस्तों। ऊपर का भी काम हो चुका है और अगले महीने से इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। देख सकते हो, ये लाइन यहाँ से ये चली जाती है सीधी दिल्ली के सरायकाले खां के लिए, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो बाकी तो मैंने आपको पूरा ही रूट दिखा चुका हूँ इसको, और ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, जो कि हमारे मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा दोस्तों, लास्ट स्टॉप है। तस्वीरें देख सकते हो, ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशनल लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन बनाया गया, और जो भी वर्क इस पर बचा हुआ है वो इस लाइन पर, ये गाजियाबाद का बचा हुआ है और दोहाई का बचा हुआ है दोस्तों। बाकी ये 17 किलोमीटर का रूट ये अगले महीने खोल दिया जाएगा दोस्तों, आम जनता के लिए इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए, कि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था मैं, तो इस वजह से आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा था। लेकिन देख सकते हो, अभी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है इस पर। फूड कोर्ट, रेस्ट कोर्ट ये यहाँ पर बनाए गए हैं, ये 3 फ्लोर आपको चमक रहे हैं, बाकी उधर वो स्टेशन का पार्ट होने वाला है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, यानी कि 4th फ्लोर पर जाके एंड में ऊपर सबसे इस पर प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये इधर भी पार्किंग का भी ये काम किया जा रहा है अभी तेजी के साथ में। और आगे आपको बता दिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का भी काम चल रहा है, जो कि पिलर पहले ही खड़े कर दिए जा चुके थे। और इसमें आपको बता दूँ कि 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और इसको रेड लाइन से भी जोड़ा जाएगा। और इधर आपका मामाया स्टेडियम से भी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होने वाला है, और दूसरा इसका आगे से भी जो मूर्ति लगी हुई है चौधरी चरण सिंह की, वहां से भी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होने वाला है। तो 3 इस साइड में है और 2 उस साइड में है दोस्तों, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बस बने रहिए वीडियो के साथ में। तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिलर बनके कंप्लीट हो गए, अपीयर कैप का काम किया जा रहा, फिर इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिवाइडर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है, मतलब कि जो गाड़ियाँ पाड़ियाँ आएंगी, पार्किंग बनाई जा रही है इस एरिया में दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, तो काफ़ी ही देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों देखने में। देख सकते हो, ये गाजियाबाद का स्टेशन है जिस पर अभी डिजाइन ये बनाया जा रहा है, फूड कोर्ट और रेस्ट एरिया पे। देख सकते हो, ये डिजाइन बनाने का काम चल रहा है इसकी। आपको बता दूं, ऊपर सेटरिंग तो लगा दी जा चुकी है और अब इस पर डिजाइन बनाया जाना है। तो देख सकते हो, इस साइड में ये देखो, ये बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, आप लोग देख सकते हो, ये पियर बन के कम्प्लीट हो गए हैं, पियर कैप का काम किया जा रहा है। और देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है, ये स्टील के गाटर यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों, उसके द्वारा इसको बिछाया गया है, क्योंकि ये इस पर मेट्रो को ये क्रॉस कर रहा है रेड लाइन को, और दूसरा साथ साथ में ये फ्लाईओवर को भी क्रॉस कर रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, यहाँ पर ये स्टील के गाटर यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, इसी वजह से। तो अभी काफ़ी सारा काम है करने के लिए, अभी इसमें
एक डेढ़ महीना लग जाएगा, और उसके बाद में जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इस पर रैपिड रेल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को केपी संत द्वारा ये वीडियोस कैसे लगते हैं दोस्तों। अच्छे लगें तो लाइक करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, क्योंकि अब मैं पर डे आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा केपी संत के चैनल पर, आप सभी को देखने के लिए मिलती रहेगी दोस्तों। देख सकते हो ये इस तरीके से क्रॉस कर रही है, और ये सिद्धार्थ विहार होते हुए, और ये आपको बता दूँ कौशाम्बी होते हुए, बचुंद्रा होते हुए, और ये आपका साहिबाबाद में निकल जाएगा। तो अभी आपको साहिबाबाद का भी देखने के लिए मिलेगा कि साहिबाबाद में अभी क्या क्या वर्क चल रहा है वहाँ पे। पहले तो आप लोग गाजियाबाद का देख लो, और फिर आप लोगों को साहिबाबाद का दिखाऊंगा जाकर। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों बस अपडेट देखने के लिए, और आप लोगों को अब अपडेट हर जगह की मिलेगी। जहाँ भी NCR में वर्क चल रहा है इस टाइम पर, वहाँ की हर जगह की आप लोगों को अपडेट में दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा ऐसे ही पर डे। तो देख सकते हो ये PR बना दिया, और PR कैप का काम किया जा रहा है, सेटिंग वो लगा दी इन्होंने। और आपको बता दूं कि इस पर जो PR हैं उन पर अभी पेंट किया जा रहा है दोस्तों, और अंदर का तो पेंट हो चुका है, देख सकते हो वो। देखो ये मार्बल बिछाने का काम किया जा रहा है अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर पर और सेकेंड फ्लोर पर अभी वर्क चल रहा है, और इसका ग्राउंड लेवल पर जो है उसकी अभी मिट्टी को एक तार करके और फिर उस पर भी पत्थर बिछाए जाने हैं। तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोस्तों। तो आप लोगों को अब अपडेट आगे का देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा साहिबाबाद का। तो साहिबाबाद का भी आप लोग स्टेशन देख लो दोस्तों, चल के देख सकते हो। ये आ चुके हम साहिबाबाद के RRTS के स्टेशन पर, देख सकते हो यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट 3 बनाए जा रहे हैं, दो बन के कम्प्लीट हो गए, एक इस साइड में है, देख सकते हो यहाँ पर ये जा रहा है दोस्तों। ये देखो अभी डेंट पे बना दिया है इन्होंने, और इस पर भी अभी डेंट पेंट का काम चल रहा है, देख सकते हो वो पेंट किया जा रहा है। बाकी तो साहिबाबाद के स्टेशन पर तो काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और इसका जो उधर बनाया जा रहा है वो भी आप तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे भी दोस्तों। और देख सकते हो देखने में रैपिड रेल का स्टेशन कितना सुंदर लग रहा है, और दुहाई का स्टेशन बचा हुआ है। कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा स्टेशन बनाया जाएगा दोस्तों, स्टेज पे है दोस्तों। देखो और अगले महीने आप लोगों को मैंने देवबंद से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, खाने की मैंने कोशिश करी, और जब तक आम जनता के लिए खोल नहीं है, खोल नहीं देते हैं तब तक मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ये सारे में ही मतलब काम कंप्लीट हो गया, रेलिंग वेलिंग सब लगा दी, देख सकते हो, और इस पर डेंट पेंट कर दिया है, और पीछे अभी बारिश चल रहा है इंडिया, उधर भी अभी बारिश चल रहा है। तो देख सकते हो कुछ ऐसा स्टेशन है मशीन जो कि ये देखो है, और एक गटर के ढक्कन को लेकर आ रहा है, ये देख सकते हो ये भूंकल आ रहा है उस साइड से, होने वाले हैं दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, और इसका आप लोग डिजाइन देख सकते हो। अभी वर्क चल रहा है, सेटिंग ये लगी हुई है, और मिस्त्री ये लगे हुए हैं जो इस पर वर्क किया जा रहा है। ये कलर यानी कि पेंट कर रहे हैं दोस्तों, और पेंट कैसे कर रहे हैं, एक ही तरह का पेंट किया जा रहा है, इस पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। बाकी तो सारा काम कंप्लीट है, ऐसे ही वीडियो देखो केपी संत के चैनल पर। केपी संत आप सभी लोगों के पर डे अपडेट लाता रहेगा, तो चैनल पर जाओ ज्यादा से ज्यादा आप लोग विजिट करो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, जो भी दिक्कत परेशानी है वो आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर पढ़ नीचे देखते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं लाता रहता हूँ आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, देख सकते हो अभी इधर से देख लो, अभी आप लोगों को नीचे का भी दिखाता हूँ चल के, तो नीचे क्या क्या वर्क चल रहा है और वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो चलते उस साइड में दिखाते चल के, तो देख सकते हो ये PR पे कैसा पेंट किया है उन्हें, और ऊपर का देखो किस तरीके का पेंट किया है, बिल्कुल पेंट कर दिया इसी वजह से कि ताकि देखने में भी अच्छा लगा। और देखो रेलिंग पे भी इन्होंने डेंट पेंट कर दिया है, और कुछ महीने जब मैंने पहले दिखाया था आप सभी को तो कैसा उबड़ खाबड़ सा पड़ा था, और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, डिजाइन देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने, और यहाँ पर इन्होंने NCRTC का ऑफिस भी है दोस्तों। तो चलते हैं और आप लोगों को अब तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट दिखाते हैं चल के आगे, वो भी बनाया जा रहा है, तो आधा बन के कम्प्लीट हो चुका है वो,
और बाकी आप सभी अपनी आंखों से देख लो। तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी चल रहा है, बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन के कंप्लीट नहीं हो पाया है दोस्तों। तो वो बन के कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, देख सकते हो तीसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट वो बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि 80% बन के कंप्लीट हो गया अभी दोस्तों, और 20% बचा हुआ है, उस पर भी काम तेजी के साथ में चल रहा है, टीम लगी हुई है NCERTC की, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो और दोबारा हम आ चुके हैं गाजियाबाद RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तो आप लोगों को अब घुमा के दिखाते हैं, अभी तो मैंने ऊपर से दिखाया था, अब आप नीचे से देख लो इस स्टेशन को दोस्तों कि किस तरीके से बनाया जा रहा है, और जो उस साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन पे भी क्या वर्क चल रहा है, कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो बस वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और इसका इनॉग्रेशन अब जल्दी ही किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों, और उसका भी आप लोगों को मुहूर्त दिखाऊंगा जब इसका मुहूर्त किया जाएगा तब। देखो सेटिंग लगी हुई है, और सेटिंग लगी होने का मतलब क्या है कि इस पर वर्क अभी चल रहा है तेजी के साथ में, कंस्ट्रक्शन वर्क, इस पर डेंट पेंट किया जा रहा है, और इस पर देखो ये जो साइडों में है देखो ये शीशे लगाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये गिलासे सब लगाने का काम चल रहा है, और इसमें मार्बल भी लगाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो दूसरी साइड आ चुका हूँ मैं, और देख सकते हो ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर बनाया जा रहा है, एक उधर बनाया जा रहा है, तो अभी इस पर वर्क चल रहा है तेजी के साथ। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।